नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और इस वक्त बड़ी खबर बॉलीवुड जगत से सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। दरअसल गोली लगने की वजह से या घायल हो गए। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी बंदूक से पैर में गोली लगी। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। सुबह कहीं जाने के लिए निकल रहे थे गोविंदा और उस समय गलती से मिसफायर हो गए। एक्टर अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि खतरे की कोई बात नहीं है। सूत्रों की माने तो बंदूक की सफाई करते समय गोविंदा को गलती से फायर होने की वजह से गोली लग गई। गोली लगने से उनके पैर में काफ़ी खून बहा, जिससे उनकी हालत गंभीर हुई। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अंधेरी कैरिटी केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल से जुड़े सूत्रों की माने तो शुरुआती इलाज के बाद अब गोविंदा खतरे से बाहर हैं। उनकी पत्नी सुनीता फिलहाल अस्पताल में उसके साथ मौजूद है। लगातार उनके साथ हैं कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, राजा बाबू, छोटे सरकार, हद कर दी आपने जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे। गोविंदा अब बीते 5 सालों से फिल्म से दूर हैं। उनकी आखिरी रिलीज की बात करें तो वह 2019 में आई थी, जिसका नाम था रंगीला राजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को पैर में गोली लगने की वजह से वह घायल हो गए हैं। उन्हें खुद के पिस्टल से गोली लगी है। घटना सुबह मंगलवार की बताई जा रही है। यह घटना 5 बजे के आसपास सूत्रों की माने तो 60 साल के एक्टर गोविंदा अपने रिवॉल्वर साफ करते हुए मिस फायरिंग से गोली लगी। गोली लगने के बाद गोविंदा के पैर से काफी खून बहा, जिसके बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल गोविंदा की हालत काफी ठीक है और हॉस्पिटल के सूत्रों का कहना है कि गोविंदा खतरे से बाहर है। उनकी पत्नी सुनीता फिलहाल अस्पताल में उसके साथ मौजूद है। मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि एक्टर गोविंदा के पैरों में गोली लगने से घायल हो गए हैं। उन्हें खुद के पिस्टल से गोली लगी है। घटना मंगलवार सुबह को 5 बजे के बताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके रिवॉल्वर जब्त कर ली है और मामले में जांच की तुरंत शुरू कर दिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि जिस बंदूक से गोली लगी है वह बंदूक लाइसेंसी बंदूक है और वो हॉस्पिटल में उनकी जो पैर में गोली लगी है उस गोली को निकाल दिया गया है। फिलहाल अभी वो खतरे से बाहर है। बड़े एक्टर गोविंदा कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, राजा बाबू, छोटे सरकार, हद कर दी आपने जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म की बात करें तो वह 2019 में आई थी, जिसका नाम था रंगीला राजा। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।